उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। उत्तराखंड राज्य के पुष्कर सिंह धामी सरकार इसे जल्द ही कानूनी अमलीजामा पहनाने की तैयारी में है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले हफ्ते यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने यूसीसी को लेकर रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश के नेतृत्व में कमेटी गठित की थी। इस कमेटी ने लोगों की राय मशविरा के बाद एक ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार कर ली है। राज्य में शादी, तलाक, उत्तराधिकारी और गोद लेने जैसे मामलों को कैसे डील किया जाएगा, इस ड्राफ्ट रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक कमेटी अगले एक से दो दिन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ड्राफ्ट रिपोर्ट भेजेगी। वहीं इस पूरे मामले पर अमृत विचार के संवाददाता अब्दुल वाजिद ने खास बातचीत की है जमीयत उलेमाए हिंद उत्तर प्रदेश के लीगल एडवाइजर काव रशीदी से। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। नमस्कार, आदाब, मैं अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं अमृत विचार का डिजिटल प्लेटफॉर्म। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। माना जा रहा है कि सब कुछ सही रहा तो बहुत जल्द इसे लागू कर दिया जाएगा। अगर ये लागू हो जाता है तो हिंदुस्तान का पहला राज्य उत्तराखंड होगा जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा। ऐसे में जमीयत उलमाए हिंद इस पर क्या सोच रखती है, हमारे साथ जमीयत उलमाए हिंद के यूपी के लीगल एडवाइज़र काव रशीदी साहब हैं। आइए बात कर लेते हैं। सर, जिस तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की बात चल रही है, आपकी नज़र में किस तरह के नताइज इसके रहने वाले हैं और आप किस कहाँ स्टैंड करते हैं इसे? देखिए, ये बहस 5 महीने पहले भी देश में चली थी यूनिफॉर्म सिविल कोड की। उस वक्त भी देश के बड़े बुद्धिजीवी जो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन को, विधि विधान को जानते हैं, उन्होंने ये कहा था कि भारत जैसे राज्य में जहाँ पर विभिन्न विभिन्न धर्मों के लोग अपनी रीति रिवाजों के साथ रहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की नीड नहीं है। उत्तराखंड का जहाँ तक सवाल है, उत्तराखंड में जो सरकार जब जा रही थी, चुनाव अंतिम दौर में था, तो उस वक्त उत्तराखंड की जनता से ये कहा गया कि अगर हम रिपीट करते हैं तो हम यूसीसी पर एक कमेटी का गठन करेंगे। और सरकार ने रिपीट करने के बाद एक गठन भी किया, लेकिन मेरा सवाल उस गठन को लेकर के ही, उसमें उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स और एक फॉर्मर जज को डाल दिया, किसी भी रिलीजियस एक्सपर्ट को उस कमेटी में शामिल नहीं किया गया, जो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आप रिलीजन पर जानकारी लेना चाहते हो, आप रिलीजियस फैक्टर पर स्टडी करने वाले किसी भी आदमी को उस कमेटी का हिस्सा नहीं बना रहे हो, तो आप खुद तय करो कि वो कमेटी क्या आंसर करने वाली है। दूसरी बात, आपने तो सर्वे 2018 में भी कराया था, लॉ कमीशन ने क्या कहा था, स्पष्ट रूप में कहा था कि इंडिया जैसी कंट्री में किसी भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की नीड नहीं है। मैंने नहीं कहा था, सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी, लॉ कमीशन, जिसका गठन सरकार की प्रक्रिया का एक अंग होता है, उसने ये बात कही थी, लेकिन उस पर कोई डिबेट और डिस्कशन भी नहीं हुआ था। लेकिन चूंकि अब कुछ प्रयोग करने हैं तो उसके लिए उस मुद्दे को दोबारा लाया जा रहा है और देश के अंदर फिर एक राजनीतिक माहौल को गर्म किया जा रहा है। जिस तरीके से आपने कहा कि प्रयोग करने हैं, 2024 लोकसभा चुनाव भी आ रहा है और इससे पहले अभी 3-5 राज्यों का, माफ कीजिएगा, चुनाव भी है, क्या पॉलिटिकल स्टंट मानते हैं? क्योंकि काफ़ी समय से बीजेपी की सरकार पूर्व बहुमत से रही, उत्तराखंड में रही, कई राज्यों में जीती, क्या लगता है? 100% पॉलिटिकल स्टैंड है। अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के इतने चिंतित हैं तो आप स्टेट गवर्नमेंट के साथ तो बात करिए ना। आप देखिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर क्या कहते हैं, आप देखिए कि झारखंड के चीफ मिनिस्टर क्या कहते हैं, जो हमारे आदिवासी हैं, उनकी जो अपने कस्टम्स हैं, रीति रिवाज हैं, उनको आप कहाँ रखेंगे, कहाँ ले जाएंगे देश को? और क्या कल्चरल राइट प्रोटेक्शन नहीं है आर्टिकल 29 में माइनॉरिटी के लिए? आप उस कल्चरल राइट प्रोटेक्शन को यूसीसी के नाम पर ख़त्म नहीं कर सकते, चूँकि वो फंडामेंटल राइट है, सॉल है कॉन्स्टिट्यूशन की, आप कहाँ ले जा रहे हो? जिस तरीके से आपने फंडामेंटल राइट्स की अभी बात की, क्योंकि आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, क्या माना जाए कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद क्या उनकी जो हकूक अधिकार है उनका वायलेशन है? 100% है। वो तो अभी देखिए, इन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया, उसको प्रेजेंट तो किया नहीं है, उसमें क्या क्या कमियाँ हैं वो एक मरतबा आने दीजिए तो मालूम होगा कि इसमें ये आप
जो हमारी संस्कृति है, कॉन्स्टिट्यूशन है, सॉल है, उसके खिलाफ जा रहे हो, अभी उनका ड्राफ्ट आ जाए तो देखते हैं। फिर इनसे कहिए कि कुछ मणिपुर पे भी तो चर्चा कर लेना, थोड़ा सा डिस्कशन मणिपुर पर भी होना चाहिए। जमीयत की तरफ से किस तरह की मांग करेंगे, क्या देखिए ये इशू किसी पॉलिटिकल पार्टी का या किसी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है, ये इशू भारत की परंपरागत संस्कृति और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सॉल का है। तो मैं नहीं समझता कि इसे हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैद कर देना चाहिए, हमें भारत की मिट्टी से जोड़ करके इस इशू का एड्रेस करना चाहिए। इससे ज़्यादा ज़रूरी क्या मानते हैं देश के लिए? आप मणिपुर में शांति लाइए, आप शिक्षा दीजिए, आप बेरोज़गारी को ख़त्म करिए, कितने लोग पलायन करके देश ही छोड़ के चले जा रहे हैं आप उसको देखिए। आपका कुछ पता ही नहीं है फॉरेन पॉलिसी पे, कभी आप इसराइल के साथ नज़र आते हो, फिर फलस्तीन के साथ आ जाते हो, फिर इसराइल के साथ चले जाते हो, फिर परसों फिर वोटिंग में फलस्तीन के साथ चले जाते हो। एक पॉलिसी भारत की जो है 75 साल से, आप उसको अपोज नहीं कर सकते, ये मानवता के लिए बहुत बड़ा अन्याय होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमृत विचार से खास बातचीत करने के लिए। थे हमारे साथ जमीयत के यूपी के लीगल एडवाइज़र काब रशीदी साहब। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो मुल्क है, जो देश है, उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड से ज़्यादा यूनिटी की ज़रूरत है। आप शिक्षा पर ध्यान दीजिए, एजुकेशन पर ध्यान दीजिए, हेल्थ पर ध्यान दीजिए, तभी हमारा देश जाकर कहलाएगा कि भारत दुनिया में नंबर 1 है। जीशान के साथ मैं अब्दुल वाजिद, अमृत विचार, मुरादाबाद।